दोस्तों अगर आप लाइव स्ट्रीम के लिए एक अच्छा सा वेबकैम लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपका ये ख्याल आपके मन में से निकाल दीजिए, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक वेबकैम से भी अच्छा वीडियो क्वालिटी देने वाला डिवाइस है अपना मोबाइल। आज उसी स्मार्टफोन को एक वेबकैम के जैसे कैसे सेटअप करें लाइव में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप आखिरी तक ध्यान से देखें और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके वो प्लीज थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब पर दबा देना। तो दोस्तों इस जुगाड़ के लिए हमें चाहिए एक स्मार्टफोन, एक यूएसबी केबल और एक डेस्कटॉप जो सबके पास आसानी से अवेलेबल होता है। तो फर्स्ट एक ऐप है, उसका नाम है ड्रॉइड कैम, जिसे हमें अपने मोबाइल और पीसी दोनों में इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन दोनों एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सेटअप अपने मोबाइल पर करते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर में जाके ड्रॉइड कैम को सर्च करना होगा, जैसे ही एप्लीकेशन मिले उसे इंस्टॉल कर लेना चाहिए, फिर उसे अभी ओपन नहीं करना चाहिए। अब इसे रन करने के लिए अपने मोबाइल पे डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा, जो हर एक मॉडल पर अलग तरह का सेटिंग होता है। अब मेरा मोबाइल है रेडमी जो सबके पास अवेलेबल है, तो पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है, फिर अबाउट फोन को ओपन करना है, फिर इस विंडो में जो MIUI वर्जन है जो बाकी फोन्स पे इसे बिल्ड नंबर कहते हैं, अब इसको 7 बार कंटिन्यूसली प्रेस करना है। अब नीचे हमें मैसेज आ जाता है कि नाउ यू आर डेवलपर। अब फिर हमें बैक जाना है, अब उसी सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ एडिशनल सेटिंग्स को ओपन करें, फिर यहाँ सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शन उसे ओपन करना है, फिर इसमें नीचे स्क्रॉल करके यूएसबी डीबगिंग को इनेबल करना है, फिर इस मैसेज पर ओके कर देना है, अब इसको क्लोज कर देना है। अब चलते हैं पीसी पे। अब पीसी में हमें टाइप करना है ड्रॉइड कैम, फिर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन डेव 47 ऐप पर क्लिक करना है, फिर इस न्यू विंडो में नीचे स्क्रॉल करके यहाँ विंडोज पर क्लिक करना है, फिर यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब जैसे ही डाउनलोड हो चुके अब इस एप्लीकेशन को अपने पीसी पर इंस्टॉल कर लेना चाहिए, फिर जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है इसका आइकॉन अपने डेस्कटॉप पर आ जाता है। अब इस एप्लीकेशन को ओपन करें, फिर इसमें दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, यूएसबी और वाईफाई। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए अपने मोबाइल और पीसी सेम वाईफाई को कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको यूएसबी पर कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। अब अपने मोबाइल को यूएसबी के साथ कनेक्ट कीजिए, फिर यहाँ यूएसबी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, अब यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक कीजिए, फिर कुछ सेकंड बाद अपने मोबाइल पर यूएसबी डीबगिंग का मैसेज पॉपअप आ जाता है। अब यहाँ डोंट शो अगेन को टिक करके ओके कर दीजिए, अब ये पॉपअप आपको फिर से नहीं आएगा। अभी स्क्रीन पर कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होके आ जाएगा। अब अपने मोबाइल पर ड्रॉइड कैम का एप्लीकेशन ओपन करना है, फिर यहाँ सारे सेटिंग्स को अलो कर देना है, फिर यहाँ आपको दबाना है स्टार्ट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अपने मोबाइल का कैम कनेक्ट हो चुका है। अब तुम्हारे मोबाइल को जिधर भी घुमाओगे कैमरा उधर शो करने लगेगा। अब इसे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए OBS पर कैसे सेटअप करना है बताऊंगा। अगर आपको OBS स्टूडियो के बारे में मालूम नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ OBS स्टूडियो को ओपन कर लीजिए, अब यहाँ राइट क्लिक करके ऐड को सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ नीचे स्क्रॉल करके वीडियो कैप्चर डिवाइस को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ क्रिएट न्यू पर कोई भी अपना नाम दे दे या उसे खाली ही छोड़ दे। अब यहाँ ओके पर क्लिक करें, फिर इस न्यू विंडो के डिवाइस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अब इस लिस्ट में ड्रॉइड कैम सोर्स 2 या 3 को सिलेक्ट करें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अपना फोन एज ए वेबकैम और वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस दोनों ऑप्शन के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसे मनचाहे जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।